हेलो दोस्तों, टेक हॉल्ट पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं HTML के, तो वो आप देख लीजिए और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बारे में। तो जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहली लाइन जो लिखनी होती है वो है डॉक टाइप HTML। HTML के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, ठीक है। कुछ वर्जन्स पुराने थे और अब हमारे पास जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो है HTML5। हमें बताना होता है कि हम अपनी फाइल में कौन सा वाला HTML यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पुराने HTML के वर्जन्स थे, जैसे कि HTML4 था या XHTML था, वहाँ पे डिक्लेरेशन कुछ इस टाइप से की जाती थी। मतलब हमें ये पूरी लाइन लिखनी पड़ती थी, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे ही हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे, हम पहले ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद में अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। या फिर अगर हम XHTML 1.1 में काम कर रहे हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता था, ये होता था हमारी पुरानी HTML डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो डिक्लेरेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द डिक्लेरेशन मस्ट रिफर टू अ DTD। DTD होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आजकल क्या होता है कि हमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है कुछ भी, हमें सिर्फ लिखना है ये डॉक टाइप HTML, बस इतना सा हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन है, द डिक्लेरेशन इज नॉट एन HTML टैग, ये HTML टैग नहीं है। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर अबाउट वॉट डॉक्यूमेंट टाइप टू एक्सपेक्ट, कि हम ब्राउजर को क्या बता रहे हैं कि ये कौन से वाला डॉक्यूमेंट टाइप है, मतलब ये HTML5 है या कौन से वाला HTML हम यूज़ कर रहे हैं, वो वर्जन हमने बताना है, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे आपने अपनी HTML डॉक्यूमेंट बनाई, तो कुछ इस तरह से हम टाइप करते हैं। स्टार्टिंग में आप लिखेंगे डॉक टाइप HTML, और उसके बाद में जो हमारा लेआउट है, जो भी हम बनाना चाहते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि HTML टैग आएगा, हेड आएगा, उसके अंदर आएगा आपका टाइटल, टाइटल में जो भी टाइटल आप देना चाहते हो, और उसके बाद में आएगा बॉडी, और बॉडी के अंदर आ गया आपका कंटेंट। कंटेंट में हम सारे टैग्स वगैरह जो भी डालना है वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि आपने स्टार्टिंग में ये लिखना है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ज़रूरी है कि इसको कैपिटल में ही लिखना है कि स्मॉल में भी लिख सकते हैं? तो ये जो है, ये डिक्लेरेशन जो है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको आप इनमें से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। HTML5 में डिक्लेरेशन बहुत ही सिंपल है, या तो आप पूरा इसको कैपिटल में टाइप करो और ऐसे लिख दो, या फिर आपने पहला लेटर कैपिटल लिखा है फिर ये स्मॉल कर दिया फिर से कैपिटल, या आप इस तरह से लिखो, या आप इसको पूरा ही स्मॉल में कर दो। तो इनमें से आप किसी भी तरह से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव होता है कि अगर कहीं पे लिखा है कि इसको अपर केस में ही लिखना है, तो आपको अपर केस में ही लिखना पड़ेगा। अगर लिखा है कि स्मॉल लेटर में लिखना है, तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो होप आपको डॉक टाइप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टैग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।